पचम्बा थाना परिसर में रविवार को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति का बैठक की गई, जिसमें डीएसपी संजय राणा, पचम्बा थाना के इंस्पेक्टर अनिल कुमार, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह व वार्ड पार्षद, मुखिया प्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस बाबत डीएसपी संजय राणा ने बताया कि सरस्वती पूजा शांतिपूर्वक माहौल में मनाई जाए, इसकी योजना तैयार की जा रही है। बताया गया कि पूजा में किसी तरह का अश्लील गाना या किसी समुदाय को ठेस पहुंचाने वाले गाने प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही जुलूस में डीजे नहीं ले जाने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि जुलूस में कोई भी व्यक्ति शराब पीकर शामिल नहीं होंगे। कोई व्यक्ति शराब पीकर अगर जुलूस में जाते हैं तो उन्हें चिन्हित कर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में 20 सूत्रीय अध्यक्ष अनवर अंसारी, वार्ड पार्षद अनिल कुमार, तेलोडी मुखिया शब्बीर आलम, सिकंदर दी पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मेहताब मिर्जा, समाज सेवी शौकत अली, कांग्रेस के युवा अध्यक्ष सद्दाम हुसैन और गणमान्य लोग उपस्थित थे। आने में सरस्वती पूजा के अवसर पर, माँ सरस्वती की आराधना के अवसर पर लोगों से शांति समिति की एक बैठक हुई। उस शांति समिति की बैठक में लोगों से अपील की गई कि ये पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, और जो प्रशासन का गाइडलाइंस है, इस गाइडलाइंस को उनको बताया गया कि सबसे पहला है कि डीजे प्रतिबंधित है, जुलूस में किसी भी प्रकार का जो है डीजे नहीं बजेगा। दूसरा कि किसी भी प्रकार का अश्लील सॉन्ग या फिर धार्मिक उन्माद वाला गाना ये लोग नहीं बजाएंगे, और जुलूस में जो है ये छोटे मोटे लाउडस्पीकर बजा सकते हैं लेकिन उसकी आवाज़ धीमी रहेगी, और जुलूस में शराब वगैरह पी के जो है लड़के नहीं रहे, इस पर भी हम लोगों ने उस पर भी रोक लगाई है। इस प्रकार के लड़कियों को यदि हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग रोक, और चूँकि पूजा का समय है तो मैं सभी गिरडीवासियों को सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई देता हूँ कि ये अपने पूजा जो है शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। सर, छात्र और युवा मनाते हैं सरस्वती पूजा, आपकी बैठक में छात्र थे युवा, उन तक मैसेज कैसे जाएगा, क्या कैसे निर्भर करेगा? मैं छात्र और युवाओं से भी आग्रह करता हूँ ये सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं, और जो सरकारी गाइडलाइंस है, जो सरकार का गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करें।